अक्सर देखा जाता है कि हम सब केवल दिवस की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कई दिनों तक तैयारी करते हैं और जब दिवस निकल जाता है तो उन सब बातों को, तिथियों को, दिवस को भूल जाते हैं। जबकि हमारी संस्कृति में तिथि, दिवस हमेशा से रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने अब उन्हें केवल एक कार्यक्रम मान लिया है, जो कि शायद गलत भी है। तो दोस्तों, ऐसी ही कई बातें हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। फिलहाल बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। 2015 से हर साल 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। अब सवाल उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को ही क्यों? तो इसका उत्तर है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे लंबा दिन है और दुनिया के कई हिस्सों में एक विशेष महत्व रखता है। इसीलिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा को दिए गए प्रस्ताव को स्वीकृति मिली और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। कब से योगा कर रहे हैं? योगा मैं कम से कम अभी 4-5 साल से स्टार्ट किया है। तो कैसे आपको इंस्पिरेशन मिली योगा की? इससे क्या है जी, कई चीजों की दवाइयों में इलाज नहीं है जो योगा में इलाज है। मेरा सर्वाइकल था, सर्वाइकल कहीं ठीक नहीं हुआ, हॉस्पिटल में दवा भी खा ली, सब खा लिया। अब योगा से फिर ये जाके सर्वाइकल ठीक होने, चक्कर आते थे मेरे, और जैसे मैंने योगा स्टार्ट किया तो सब गायब हो गया। अच्छा। हाँ, सर्वाइकल की बीमारी यही नहीं है। मैं योगा करता हूँ यहाँ सुबह आगे, मैं 5 बजे उठ जाता हूँ, 4:30 बजे, और 5 बजे पार्क आ लेता हूँ, 1 घंटा वॉकिंग, उसके बाद सूक्ष्म व्यायाम। तो योगा हमारे लिए कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है जी, योगा के बगैर तो कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ 1 घंटे टाइम दे आदमी तो फिर वैसे स्वस्थ हो जाए, डॉक्टर के जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, डॉक्टरों के पास कई चीज़ों का इलाज है नहीं।